हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि इसमें हमें किसके बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में। अब हमारे पास है नंबर्स। नंबर्स के अंदर हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, प्राइम, रैशनल, ऐसे बहुत से नंबर्स आएंगे जिनके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में रीड करेंगे। देखो, फर्स्ट है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर हमारे पास क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होके इन्फिनिटिव तक हैं। ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, जितने भी नंबर्स हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। क्या आएगा हमारे पास? ऑल पॉजिटिव नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं कहाँ से स्टार्ट होंगे? ज़ीरो से, और कहाँ तक? इन्फिनेटिव तक। उनको हम क्या बोल देंगे? होल नंबर। होल मीन्स पूरा, ठीक है, होल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे? वन से। होल नंबर के अंदर हमारे पास जीरो इंक्लूड होता है, बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? नेचुरल नंबर। ऑल पॉजिटिव नंबर्स किसको छोड़ देंगे हम? जीरो को। किसको छोड़ देंगे? जीरो को। जीरो को छोड़ के सभी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, वन, टू, थ्री, अप टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है इंटीजर्स। अब यहाँ तक हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स थे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास आएंगे ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। ऐसे नंबर्स जितने भी पॉजिटिव हैं सभी, और जितने भी नेगेटिव हैं वो सभी नंबर्स किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स में। माइनस इन्फिनेटिव कैसे नोट करते हैं? माइनस इन्फिनेटिव अप टू माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, फिर ज़ीरो, फिर वन, टू, थ्री, अप टू इन्फिनेटिव। नेगेटिव में भी इन्फिनेटिव तक, और पॉजिटिव भी इन्फिनेटिव तक, उसको हम क्या बोल देंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम दो पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स वो होंगे जिनके अंदर ज़ीरो से इन्फिनेटिव तक हमारे पास आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, और इससे ज़ीरो सॉरी माइनस वन से अप टू माइनस इन्फिनेटिव आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास क्या बोल देंगे? नेगेटिव इंटीजर। दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर देते हैं हम इसको। यहाँ से हमारे पास था पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर। अब हमारे पास है रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर, द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते, प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बाई थ्री, 5 बाई टू। अब 7 है, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि 7 है उसको हम रैशनल नंबर कैसे बोल देंगे, क्योंकि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में ही है। कैसे? 7/1 हो गया ना पी बाई क्यू की फॉर्म में, 9/1, इसको हम क्या बोल देंगे? रैशनल नंबर। अब क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जब हमारे पास ज़ीरो है, जैसे 0/3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ज़ीरो। और जब हमारे पास डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाता है तो क्या होता है? इन्फिनेटिव। इसीलिए क्या बोल रखा है कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जैसे हमारे पास रूट टू है, रूट थ्री है, रूट फाइव है, ये जितने भी रूट्स में, जैसे हमारे पास
रूट फोर है, रूट फॉर्म फोर को हम इरेशनल नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि रूट फोर को हम क्या लिख देंगे, टू। इसीलिए ऐसे नंबर्स जिनका हम स्केयर रूट नहीं फाइंड कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। एंड एक इरेशनल नंबर आपके पास क्या है, पाई। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर ऐसे नंबर्स जिसके अंदर सभी रैशनल नंबर एंड सभी इरेशनल नंबर्स इंक्लूड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। इट कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसके अंदर कौन कौन कंटेन होता है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। और उसको हम एक नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आपने पढ़ रखा है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर ओनली वन एंड इट्सेल्फ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। दीज नंबर्स ओनली फैक्टर्स आर वन एंड इट्सेल्फ। जैसे हमारे पास फाइव है, फाइव का क्या क्या फैक्टर है, वन एंड फाइव। फाइव के फैक्टर क्या क्या है, वन और फाइव। सेवन के फैक्टर क्या है, वन एंड सेवन। उसके बाद हमारे पास जैसे टू है, टू के फैक्टर क्या है, वन और टू। थ्री के भी फैक्टर क्या है, वन और थ्री। इलेवन के भी फैक्टर वन एंड इलेवन है। इसी तरह थर्टीन है, फिर थर्टीन के बाद सेवनटीन आ जाएगा, ठीक है, नाइनटीन। इसी हमारे पास सभी प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर हैं, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर दो या दो से अधिक हैं, दो से अधिक। देखो प्राइम नंबर्स में हमारे पास कितने फैक्टर्स आए, टू फैक्टर्स है, लेकिन कंपोजिट में हमारे पास क्या आ गए, टू से ज़्यादा। अगर हमारे पास ओनली टू फैक्टर हैं तो हम क्या बोल देंगे, प्राइम। और टू से ज़्यादा फैक्टर आ गए तो हम क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन टू, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर मोर देन टू। जैसे सिक्स, सिक्स के हमारे पास क्या क्या फैक्टर हैं, वन टू थ्री सिक्स। इसी तरह से फिर आपके पास जैसे एट है, एट के फैक्टर क्या क्या है, फैक्टर आपने पढ़ा था, फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनसे एट डिवाइड होता है, ऐसे नंबर्स जिससे हम एट को डिवाइड कर सकते हैं। किस किस से कर सकते हैं, वन से भी डिवाइड होता है, टू से भी डिवाइड होता है, उसके बाद थ्री से नहीं होता, फोर से होता है, फोर के बाद एट खुद से। तो अब इसके फैक्टर्स टू से ज़्यादा है इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर। ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम। ओके, थैंक यू।